वेरियस कंपोनेंट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेज आर गिवन इन टेबल 5.1, आगे ये दिया हुआ है आपको। और ये बॉक्स में जो मैं आपको बताता हूँ, मैनी यूजफुल सब्सटेंसेस आर ऑब्टेंड फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, दीज आर टर्म्स एट पेट्रोकेमिकल्स, दीज आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट्स, डिटर्जेंट होते हैं सर्फ पाउडर वगैरह जो कपड़े धोने के काम आते हैं, फाइबर्स जैसे पोलिस्टर, नाइलोन और एक्राइलिक एक्सेट्रा जो हमने थर्ड लेसन में पढ़े हैं वो, पॉलीथीन भी उसमें आपने पढ़ा है, एंड अदर मैन मेड प्लास्टिक्स जो हैं सारे, थर्मोप्लास्टिक और थर्मो सेटिंग प्लास्टिक वो सारे इसमें बनते हैं, हाइड्रोजन गैस ऑब्टेंड फ्रॉम नेचुरल गैस से मिलती है, नेचुरल गैस से CNG होती है उसमें कंपैक्ट नेचुरल गैस, उसको भी बहुत सारी गाड़ियों में स्मोकलेस जो होता है वो फ्यूल है, तो इज यूज्ड इन द पेट्रो प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स के लिए भी हम यूज़ करते हैं, जिसको यूरिया कहते हैं, यूरिया जो है मतलब रासायनिक खाद है वो खेतों में यूज़ की जाती है, केमिकल्स है फैक्ट्री में बनती है, वहाँ पर नेचुरल गैस का प्रयोग होता है ड्यू टू इट्स ग्रेट कमर्शियल इम्पोर्टेंस, कमर्शियल का मतलब व्यापार में इसका फ़ायदा होता है, यानी कि इसको यूज़ करने से पैसे मिलते हैं, लोगों को कमाई होती है, तो उसको हम कमर्शियल इम्पोर्टेंस कहते हैं। पेट्रोलियम इज़ आल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड, इसको इसीलिए ब्लैक गोल्ड कहते हैं। आगे है हमारी नेचुरल गैस, तो यहाँ पीछे हमने ये वाला जो देखा था इसमें, इसमें देखा था कि जो जैसे यहाँ पर पेट्रोलियम होता है, वहाँ पर ये वाला जो ये वाला पेट्रोलियम है, ये वाला पेट्रोलियम है, रिजर्वायर रॉक है, इसके ऊपर पेट्रोलियम है, उसके ऊपर ये गैस है, तो यहाँ पर ये जो लाइन दिखाई गई है ये वाली लाइन है, इस लाइन में ऑयल है और इसके ऊपर का ऊपर की जो ये वाली जगह है यहाँ पर नेचुरल गैस, तो यहाँ पर पेट्रोलियम होता है वहाँ पर गैस भी नेचुरल गैस होती है। नेचुरल गैस में दो तीन कॉन्स्टिट्यूएंट्स गैसेस होती हैं, इसमें इसको हम कंपैक्ट नेचुरल गैस कहते हैं, तो फॉसिल फ्यूल बिकॉज इट इज़ ईजी टू ट्रांसपोर्ट, यानी नेचुरल गैस हल्की है, इसको ट्रांसपोर्टेशन करना आसान होता है पाइपों के द्वारा, नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, उसको सिलेंडरों में प्रेशर के साथ भरते हैं तो वो लिक्विफाई हो जाती है, तो CNG इज यूज्ड फॉर पावर जनरेशन, यानी कि पावर जनरेशन जैसे कोयला पावर जनरेशन के लिए थर्मल पावर प्लांट में यूज़ होता है, वैसे ही पावर जनरेशन के लिए CNG भी यूज़ होती है, इज नाउ बीइंग यूज्ड एज ए फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल, ट्रांसपोर्ट व्हीकल दिल्ली में एक वहाँ पर सारी जगह, दिल्ली की जो एक अपनी हमारी टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी है, तो वहाँ पर सब जगह जितने भी व्हीकल चलती हैं वो इससे CNG से चलती हैं हाई कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से, तो वो लेस पोल्यूटिंग है वहाँ पर, उसमें पोल्यूशन नहीं होता, ये क्लीनर फ्यूल है। द ग्रेट एडवांटेज ऑफ CNG इज़ दैट इट कैन बी यूज डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन द होम्स एंड फैक्ट्रीज वेयर इट कैन बी सप्लाइड थ्रू पाइप्स, बहुत सारे शहरों में, बड़े बड़े शहरों में CNG को पाइपों के द्वारा सप्लाई किया जाता है घरों में, सच ए नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन एग्जिस्ट इन बड़ोदरा गुजरात में है, सम पार्ट्स ऑफ दिल्ली एंड अदर प्लेसेस में है, और इसके जैसे पेट्रोल पंप होता है वहाँ पर पेट्रोल और डीजल दोनों मिलते हैं, ऐसे ही नेचुरल गैस के भी होते हैं, वहाँ पर सिलेंडर भरे हुए मिलते हैं हमें, गाड़ी में हम रख लेते हैं तो उसको यूज़ करते हैं, सस्ती पड़ती है। जलंधर में भी हरे रंग के 3-व्हीलर हैं, वो नेचुरल गैस से चलने वाले हैं, एक दो यहाँ पर भी इसके पंप स्टेशन हैं जहाँ पर हम इनको भरवा सकते हैं, तो इसके लिए इससे मतलब इसको CNG को हम नंबर ऑफ़ केमिकल्स और फर्टिलाइज़र बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं। इंडिया हैज़ वास्ट रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस के, हमारे पास बहुत सारे भंडार हैं, इन अवर कंट्री नेचुरल गैस हैज़ बीन फाउंड इन त्रिपुरा और राजस्थान, महाराष्ट्र एंड इन द कृष्णा गोदावरी डेल्टा, वहाँ पर हमें ये मिलती है, ठीक है।